हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली हूँ आप सब लोगों के साथ अपना किचन टूर शेयर। मेरा किचन नॉन मॉडुलर है। मैंने उसको अपनी तरफ से जितना बन पड़ा मैंने उसको अच्छे से मेंटेन किया है, डेकोरेट किया है, और मुझे मेरा किचन अच्छा भी लगता है। और बाकी आप सब लोग देख के बताएं कि मैं और उसमें क्या चेंजेस कर सकती हूँ, और मैं कैसे आप मतलब मैं उसमें चेंज करके मेरी थोड़ा इजी हो जाएगी लाइफ भी ना। तो आप सब लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मैं उसमें और क्या चेंजेस कर सकती हूँ। तो जैसे भी मैंने मेरे किचन को सजाया मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलो चलते हैं मेरे किचन में। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अपनी किचन में। अभी मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। जितना भी मुझसे बन पड़ा मैंने अपने किचन को डेकोरेट किया, अपने तरीके से अच्छा बनाया है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे और क्या करना चाहिए। सो ये है मेरा छोटा सा किचन। ये एक स्टैंड है जो कि मैंने मार्केट से लिया, लोकल मार्केट से, और मैंने इसमें अपनी डेली की ज़रूरतें की जो चीज़ होती हैं, लाइक नाइफ है, लाइटर है, और डेली वाले स्पैचुलाज हैं, सीज़र है, ये सब इसी में मैंने रखी हुई है। एकदम से गैस के पास भी है तो मुझे ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा दूर जाने की, यहीं से एकदम से उठा लेती हूँ सब मैं। ये छोटा सा स्टैंड है जो मैंने यहीं से लिया हुआ है, ये भी लोकल मार्केट से। तो ये सब मैं इसमें एडजस्ट करके रखती हूँ, सब पिकल और छोटे छोटे मसाले और डेली की जो एकदम से इंस्टेंटली चाहिए होता है ना मुझे जल्दी से, वो सब इसी में रख देती हूँ मैं। तो यहाँ से उठाना भी ईजी होता है, यहीं पर मेरा गैस होता है और सब यहीं पर रखती हूँ। बाकी ये फिर आगे मेरा गैस है, चूल्हा है मतलब, और मुझे थोड़ा खाली खाली अच्छा लगता है स्पेस ना, तो मैं इसीलिए थोड़ा कम कम रखती हूँ इधर उधर सामान। और ये भी मैंने खुद ही बनाया, एक DIY है, आपके पास वीडियो डाली हुई मैंने, आप देख लेना, चेक करना। और इस पर भी जो मुझे नहीं चाहिए होता डेली वो सब मैं इस पर हैंग करके रखती हूँ। डेली वाला सब मैं उसमें रख देती हूँ और जो नहीं चाहिए होता मैं इसमें रखती हूँ। इससे भी मेरे किचन का काम बहुत ईजी हो गया। और ये मैंने जैसे तैसे इधर उधर हैंग करके सब एडजस्ट किया हुआ है। हम लोग क्या रेंट पे रहते हैं तो ज़्यादा कुछ सामान इतना लेते नहीं हैं, जिसमें काम चल जाता वही रखते हैं। ये एक छोटा सा रैक है जो कि मेरे बहुत काम आता है। इसमें मेरे जो ढक्कन होते हैं ये कांच वाले, और सब चॉपेट ट्रे वगैरह, बेलन, और ये सब मैं इसमें रखती हूँ। इधर ये मिक्सी है मेरा, मिक्सी पे मैं ऐसे कवर कर देती हूँ ताकि वो गंदी नहीं होती उससे कभी, वो साफ़ हमेशा निकलती है। ऐसे ऊपर से उसको ढक्कन लगा के ऐसे ही मैं रख देती हूँ। और ये रैक भी मैंने यही लोकल मार्केट से लिया था, स्टील का, काफ़ी अच्छा ये। तो मुझे इसको हैंग करने के लिए कुछ जगह नहीं मिली थी, तो मैंने फिर इसको विंडो पे वायर से बांधा हुआ है, पीछे इसके वायर से इसको मैंने हैंग किया हुआ अच्छे से। मैं आपको देखो दिखाई नहीं देगा आपको, मैंने उसको अच्छे से सिक्योर किया हुआ है। छोटे मोटे जुगाड़ चलते रहते हैं। एक और जुगाड़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने छोटे से वही वायर जिससे बांधा हुआ था वो बचा हुआ था, एक मैंने ऐसे इस तरीके से लूप टाइप बना लिया है, एस टाइप का, और ये मैंने इसको ऐसे हैंग किया है। ऐसे मैं सोच रही हूँ कि और भी बनाऊँ, ये बड़ा ही काम आया मुझे। ये इसके ऊपर मैं देखो ये कि मैं कुछ भी टांग लेती हूँ, ये मैंने इसको टांगा है इसके ऊपर। तो एक और ये लूप बना के मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कुछ और भी हैंग करने में। किचन का सामान क्योंकि बहुत होता है, कितना एडजस्ट कर लो किचन में बहुत सामान होता है, तो सब कुछ अरेंज करना पड़ता है, तो यही सब चलता रहता है बस। और ये थोड़ा सा मैंने फिर से ग्रीनरी ऐड की हुई है, मुझे ग्रीनरी थोड़ी अच्छी लगती है। ये मेरा जो वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ करने का सब है। और ये हम मटके का ही पानी पीते हैं, बहुत अच्छा रहता है मैंने सुना है, तो हम मटका ही यूज़ करते हैं। तो इतना स्पेस काफ़ी है किचन में, बट वही है थोड़ा अरेंज करके रखना पड़ता है। मेरी किचन मॉडलर नहीं है तो सामान जैसे तैसे एडजस्ट करना पड़ता है, सब रखना पड़ता है। मैं नीचे काफ़ी हद तक सफाई करके भी रखती हूँ, और ऐसे ही सामान मुझे रखना पड़ता है। इधर ये सारा डेली के मसाले वगैरह रखे हुए मैंने, ये बीच में स्टील में जो थोड़ा ज़्यादा सामान आता है ना किचन का, दालें हैं, राइस हैं, आटा है, तो ये सब मैं बीच में रखती हूँ। और ये जो और ज़्यादा क्वांटिटी में आता है जैसे आटा, मैं बचा हुआ इधर रखती हूँ, और जो थोड़ा निकाल के अलग रखती हूँ ये सब। और ये मेरा जो सामान ग्रोसरी टाइप होता है वो सारा हुआ है,
नमकीन बिस्किट और ये सब पीडियाश्योर वगैरह, दालें मेरी सब जो पैकेट है अभी बंद है वो मैं सब इसमें रखती हूँ। ये छोटी सी रैक भी मैंने बाहर से ली थी, और ये फिर वही सब्जियां वगैरह की छोटी सी रैक है। तो यही था मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताना। छोटी छोटी DIY, छोटे छोटे जुगाड़ कर कर कैसी किया हुआ है मैंने। और ये फ्रिज का कवर भी मैंने खुद से ही बनाया था, मेरे पास एक पिलो कवर पड़ा हुआ था जिसको मैंने पेंट किया है, और थोड़ा सा बॉर्डर लगाया है, थोड़ा सा ये टेसल्स ऐड करके वो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और कहीं कहीं मैंने इसे पेंट भी किया है। तो आप लोग इसके भी आप वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। तो बाकी यही था मेरा किचन जो कि मैंने अपने तरीके से काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। बाकी आप लोग मुझे बताएं, कमेंट करें प्लीज़। थैंक्स फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर डालें कि मैं और क्या कर सकती हूँ।